हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा मटेला। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश किया गया। बजट 2024 का साइज कितना है? तो इसका राइट आंसर है 48.21 लाख करोड़ रुपये। हाल ही में भारत को मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है थाईलैंड। क्वेश्चन है, यूरोपियन काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है एंटोनियो कोस्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। 24th संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां सदस्य बना है? इसका राइट आंसर है बेलारूस। नेक्स्ट है, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? इसका राइट आंसर है बजाज। जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट PARI की शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? करेक्ट आंसर, शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना यानी कि लाडला भाई योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है मानस। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के ओलंपिक ऑर्डर में से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। 22 जुलाई को श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से? इसका राइट आंसर है हॉकी। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है प्रीति सुदन। नेक्स्ट है, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? इसका राइट आंसर है कीर स्टार्मर। नेक्स्ट है, AI प्रिपेयर्डनेस में भारत की रैंक 2024 क्या है? इसका राइट आंसर है 72। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे भारत कुल 174 देशों में से 72वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 113वें पे, श्रीलंका 92वें पे, चीन 31वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 3 प्रदर्शन करता है, यानी कि फर्स्ट में सिंगापुर, सेकंड में डेनमार्क, थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थान पर है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बना हुआ है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, और जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच होगा और 2026 में होगा। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ
सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? लेबनान इजराइल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर। विमल्डन 2024 का मैन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज एंड बारबोरा क्रेसिकोवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।